Hello students, in the last class we had completed exercise 6.7 and in today's class we are going to start new exercise 6.8. So your first question is subtract the like fraction. क्या करना है आपको इन like fraction को subtract करना है. तो first question is 3/4 minus 1/4. इनका दोनों फ्रैक्शन कैसे है लाइक है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है दोनों का सेम. तो डिनोमिनेटर क्या करेंगे सिंगल कंसीडर करेंगे. अब 3 - 1 करो कितना आता है 2. तो आंसर आ गया 2/4. अब आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना अपन ने ऑलरेडी सीखा है. सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम टेबल से डिवाइड करो. तो 2 और 4 किस टेबल में आती है 2 की टेबल में आती है. 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 टाइम और 4 कितनी बार आता है 2 टाइम्स. तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप 2/4 और 1/2. ओके लाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी है. नेक्स्ट आई विल डू C1. 10/10 माइनस 3/10 माइनस 4/10. तो इनके तीनों कैसे फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 10. अब 10 माइनस 3 माइनस 4 10 माइनस 3 करो पहले कितना आता है 10 में से 3 गया कितना बचा 7 माइनस 4/10. 7 में से 4 गया 7 में से 4 गया कितना बचेगा 3/10. तो इसका आंसर क्या आ गया 3/10. ओके लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ई 7/8 माइनस 6/8. लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर हो जाएगा 8. अब 7 माइनस 6 कितना होगा 7 में से 6 गया 1. तो आंसर आ जाएगा 1/8. ओके तो ये तो लाइक फ्रैक्शन को ही सब्ट्रैक्ट करना था तो वो तो बहुत इजीली हो सकता है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल ट्राई. क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द अनलाइक फ्रैक्शन. अब कैसे क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/6 माइनस 7/12. देखो 5/6 माइनस 7/12 ये कैसा फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स सब क्या है डिफरेंट है. तो सबसे पहले क्या करूंगे इनके डिनोमिनेटर को सेम करूंगे. सेम कैसे करते हैं एलसीएम लेकर. तो इनका एलसीएम लो 6 और 12 का. 2 की टेबल में आएगा 6 आता है 3 टाइम्स 12 कितनी बार आता है 6 टाइम्स. अगेन 2 की टेबल 3 नहीं आता तो एज इट इज 6 आता है 3 टाइम्स. नाउ 3 की टेबल में 3 वन जा तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12. तो एलसीएम कितना आ गया 12. तो आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर को किसके इक्वल करना है 12 के इक्वल. तो 5/6 एंड 7/12 ये तो ऑलरेडी 12 है तो अपन इसको ही करेंगे. 6 को 12 से डिवाइड करो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की टेबल में 12 2 टाइम्स आता है मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 हो जाएगा. तो 5 2 जा 10. तो आपका नंबर क्या आ गया नेक्स्ट फ्रैक्शन 10/12 माइनस 7/12. अब नॉर्मल लाइक फ्रैक्शन की तरह इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 10 माइनस 7. 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3/12 इज योर आंसर. ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी 2/3 माइनस 1/9. B1 इज 2/3 माइनस 1/9. तो इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करोगे. एलसीएम लो 3 की टेबल में ही आता है 3 और 9. 3 आता है 1 टाइम्स 9 आता है 3 टाइम्स. अगेन 3 की टेबल 1 1. तो एलसीएम कितना आ गया 3 3 जा 9. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 3 जा कितना होता है
9। तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो आपका नया फ्रैक्शन हो गया 6/9 माइनस 1/9, बिकॉज ये ऑलरेडी 9 था इसीलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन बन गया तो नॉर्मल माइनस कर लो 6-1, तो 6-1 करने पे कितना आता है 5/9। ओके, तो इसका C1 आप लोग ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग। अब इनको भी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको अपन जैसे अपन ने मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन किए थे, सेम उसी तरह से अपन मिक्स फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/5/6 - 2/2/3। तो क्वेश्चन इज 5/5/6 - 2/2/3। तो सबसे पहले क्या करते थे अपन, उसमें होल नंबर को सेपरेटली माइनस करेंगे, माइनस, और ये जो फ्रैक्शन है इनको ब्रैकेट में लिख के पहले इनका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, आफ्टर दैट इनको माइनस करेंगे। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर 6 और 3 का एलसीएम लो, 2 की टेबल में आता है 6, नाउ 3 की टेबल, 2 3 6, तो 2/3 को का एलसीएम 6 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, 2 2 4। तो अब अपने पास क्या है नंबर 5-2, और यहां पर है 5/6 - 2/3 क्या बन गया 4/6। तो अब 5-2 कितना आता है 3, एलसीएम आ गया 6, 5-4, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, तो आंसर क्या आ गया 3/1/6। ओके, ये आपका आंसर हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/1/6। एक तो आपका ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, दूसरा मेथड भी सिखा देती हूं। देखो सेकेंड मेथड से भी अपन इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, 5/5/6 - 2/2/3। सेकेंड मेथड क्या है, सबसे पहले ये किस टाइप के फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड को अपन किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो लेट्स डू इट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए न्यूमरेटर को प्लस करो। तो 5 × 6 + 5, यहाँ पे 3 × 2 + 2, और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 5 × 6 = 30 + 5/6, 30 + 5 = 35/6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 2/3, 6 + 2 = 8/3। तो अपने फ्रैक्शन क्या आ गए न्यू, 35/6 - 8/3। दोनों की डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम अपन ने पीछे ही लिया था, कितना आया था 6, तो इनको 6 के इक्वल करना है। तो ये तो ऑलरेडी 6 है, इसको चेंज कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 8 = 16, 3 2 = 6। अब नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 35/6 - 8/3 क्या बन गया 16/6। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन को कैसे माइनस करूंगे, नॉर्मल माइनस करेंगे, 35 - 16 करूंगे कितना आएगा 19/6। क्वेश्चन आपका किस में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आंसर को भी अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 6 से डिवाइड कराऊ 19 को, तो 19/6, 6 के टेबल में 19 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 3 × 18, 19 - 18 करा कितना बचा 1। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, होल नंबर रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा।
तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 and 1/6। देखो इसका आंसर और अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसका आंसर 3/6, 3 and 1/6 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दी हो तो या तो आप सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, या फिर आप क्या करो इनमें होल नंबर को अलग से माइनस करो और फ्रैक्शन को आप अलग से माइनस करो। फ्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, आफ्टर दैट उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ओके, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे आप वो मेथड कर सकते हो। लेट्स डू बी वन। बी क्या है, 3 and 1/3 - 2 and 1/4। 3 and 1/3 - 2 and 1/4। तो सबसे पहले मैं कौन से मेथड से करती हूँ, मैं इस मेथड से ही करती हूँ। मिक्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इम्प्रॉपर में। 3 and 1/4 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 into 3 और प्लस 1/3। 3 3 = 9 प्लस 1 10, तो आ गया 10/3। अब 2 and 1/4 को भी कन्वर्ट करो, 2 4 = 8 प्लस 1 9, तो आ गया 9/4। ओके, क्या किया इसमें भी मैंने, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसमें 1 प्लस किया है, तो 2 4 = 8 और प्लस 1, तो 8 + 1 = 9, तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया, 10/3 - 9/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इनको क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 3 and 4 का एलसीएम लो, 2 की टेबल में आता है 3 2। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम 3 आया और यहाँ पे 4 को डिवाइड किया तो 2, अगेन 2 की टेबल में आता है, 3 नहीं आता एज इट इज, 1 1 1, तो 2 2 = 4, 4 3 = 12। एलसीएम कितना आ गया, 12, मतलब आपको इन दोनों फ्रैक्शन को इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 12। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 12 हो जाए, 3 को 4 से और 4 को 3 से, तो 10 4 = 40, 9 3 = 27। न्यू फ्रैक्शन क्या आ गया, 40/12 - 27/12। इन दोनों को माइनस कर दो अब नॉर्मली, 40 - 27, 40 में से 27 गया कितना बच गया, 13/12। आपका क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आंसर को भी किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके, 12 को डिवाइड करो 13 से, 12 = 12, तो आंसर आ गया 13/12 और 1 and 1/12। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सेकेंड मेथड से भी करके बता देती हूँ आपको यही क्वेश्चन। सेकेंड मेथड में क्या समझाया था, सबसे पहले होल नंबर को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करो, तो 3 - 2 करो और फ्रैक्शन को सेपरेटली, 1/3 - 1/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लिया हुआ है, ये कितना आएगा, 12, तो 1/3 - 1/4, एलसीएम 12 आना चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से और यहाँ 3 से, 4 1 = 4 और यहाँ पे 3, तो 3 में से 2 गया कितना बचा, अपना नया फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/, ये नंबर तो ऐसे कैसे लिख दो और यहाँ पे न्यू फ्रैक्शन लिख दो, 4/12 - 3/12। 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 और यहाँ पे 12 4 - 3, 4 में से 3 गया 1/12 और बार 1 था ही, तो आंसर क्या आ गया, 1 and 1/12। देखो दोनों सेम आ गए,
ये मेथड ज्यादा इजी है, इसीलिए आप लोग सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व करना। ओके, लेट्स डू लास्ट वन, दैट इज सी 2 and 3 by 4 माइनस 1 and 3 by 8। क्वेश्चन क्या है? योर क्वेश्चन इज 2 and 3 by 4 माइनस 1 and 3 by 8। मैं आपको वो वाला मेथड सिखाऊंगी, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेथड बहुत इजी है इसीलिए, और फ्रैक्शन को अलग से लिख देंगे। अब 4 और 8 का एलसीएम लो, कितना आता है देखो। 4 और 8 2 की टेबल में आता है 2 times, एलसीएम ले रहे थे। 2 की टेबल में 4 आता है 2 times, 8 आता है 4 times, अगेन 2 की टेबल में 2 1 times, 4 2 times, अगेन 2 की टेबल, हो गया 1 1। दैट मीन्स अपना एलसीएम फिनिश हो गया। तो एलसीएम कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 8। तो इनका ये तो ऑलरेडी 8 है डिनोमिनेटर, इसको अपन 8 बना देते हैं। तो 3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 8 आ जाए, 4 2 जा 8 होता है, तो 3 2 जा 6। तो अपन का नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 2 माइनस 1, तो 3/4 क्या बन गया, 6/8 माइनस 3/8। 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 1, और यहाँ पे 8 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 करते हैं कितना आता है 3, तो आंसर आ गया 1 and 3 by 8। ओके, आई होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ इज सॉल्व द फॉलोइंग। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 and 5 by 6 माइनस 1 and 3 by 6। तो क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट इज 3 and 5 by 6 माइनस 1 and 3 by 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर को माइनस कर देंगे साइड में, और यहाँ पे फ्रैक्शन माइनस करेंगे। ओके, तो दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। तो 3 माइनस 1 2, ये नॉर्मली डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 6, 5 माइनस 3, 5 में से 3 क्या कितना बचा 2/6, और यहाँ पे है 2। अब ये दोनों नंबर कट हो रहे हैं, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 and 2 by 6 इज योर आंसर। ओके, बहुत इजी है। बी वाला क्या है, 7 and 4 by 5 माइनस 2 and 3 by 5, 7 and 4 by 5 माइनस 2 and 3 by 5। सबसे पहले होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 minus 2, और यहाँ पे 4/5 माइनस 3/5। दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, तो नॉर्मली माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गया कितना बचा 5, 4 minus 3, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो आंसर क्या आ गया, 5 and 1 by 5 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6 and 3 by 4 माइनस 2 and 1 by 2। क्वेश्चन नंबर सी इज 6 and 3 by 4 माइनस 2 and 1 by 2। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले होल नंबर 6 minus 2 होल नंबर, और यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2। ये कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। कैसे करोगे, एलसीएम लेकर 4 और 2 का एलसीएम लो, 4 और 2 का एलसीएम, 2 की टेबल में आता है 2 times, ये 1 time, अगेन 2 की टेबल, 2 2 जा 4, तो इनका डिनोमिनेटर आपको किसके इक्वल करना है, 4 के इक्वल। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसको कर देते हैं, 1/2 को 4 बनाना है। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से, तो ये आ गया 2 and 2 by 4। तो आपका नया फ्रैक्शन क्या हो गया, 6 minus 2,
और यहाँ पे है 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4। 6 में से 2 गया, कितना बचा? 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 6 माइनस 2 इज 4 और 3 में से 2 गया 1 अपॉन 4। तो आंसर क्या आ गया आपका, 4 एंड 1 अपॉन 4 इज योर आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर डी, 8 माइनस 2 बाय 3। डी वन इज 8 माइनस 2 बाय 2 बाय 3। इसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं है, क्या लिख सकते हो? 1। अब अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से, बिकॉज ये 1 है तो इसको 3 बना दो, 3 और 1, तो इनका एलसीएम लोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 8 3 24। तो क्या आ गया न्यू फ्रैक्शन, 24 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 24 में से 2 माइनस करो, कितना बचता है, 22 अपॉन 3 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर ई इज 5 एंड 2 बाय 3 माइनस 3। यू कैन सी दैट यहाँ पे सिर्फ अपन को एक ही नंबर दिया हुआ है 3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो? 1। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, 5 एंड 2 बाय 3 माइनस 3, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1। अब अपन इस क्वेश्चन को अपन अभी तक जैसे क्वेश्चन कर रहे थे उसकी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे अपन को कोई भी होल नंबर नहीं दिया है, तो अपन को इसको, अपन ने जो एक और मेथड सीखा था मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करने वाला, उस मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करो, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आया न्यूमरेटर प्लस कर देना, 5 इंटू 3 15 15 प्लस 2 17। तो क्या आ गया ये 17 अपॉन 3, तो ये आ गया 17 अपॉन 3 और ये क्या है 3 अपॉन 1, तो अपना न्यू फ्रैक्शन क्या आ गया, 17 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 1। अब दोनों कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन, तो अपन को इसको सेम करना पड़ेगा, ये 3 ये 1, तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3, तो इसका डिनोमिनेटर 3 बनाएंगे, 3 अपॉन 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा, 17 अपॉन 3 और 3 3 9, 3 इंटू 1 3। अब ये हो गए लाइक फ्रैक्शन, नाउ इसको माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 लिखेंगे, 17 माइनस 9 करो कितना आता है, 8 अपॉन 3। अपना क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर को भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड करके, 3 को 8 से डिवाइड करो, 3 की टेबल में 8 नहीं आती है, उससे छोटा क्या आता है, 2 टाइम्स 6, 8 माइनस 6 करूंगी इतना आएगा 2, तो आंसर आ गया 2 एंड 2 बाय 3। सिमिलरली F1 भी ऐसा ही है, 7 1 बाय 5 माइनस 2, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या लिख सकते हो, 1। सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, तो 36 अपॉन 5, 36 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 1, इसका एलसीएम लोगे तो 5 ही आएगा, इसलिए अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो 1 इंटू 5 5 2 इंटू 5 10। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए, तो 36 माइनस 10 करोगे कितना आएगा, 26 अपॉन 5। ये कैसा क्वेश्चन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो आंसर को भी किसमें कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इनको डिवाइड करेंगे, 5 को 26 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, तो 6 माइनस 5 1 2 माइनस 2 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 एंड 1 बाय 5, बिकॉज क्वेश्चन क्या बन जाता है, होल नंबर रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। तो दिस इज हाउ वी हैड डन आवर एक्सरसाइज 6.8। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.9। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, रोहित गेव अ पार्टी एंड ऑर्डर पिज्जास, 2 बाय 9 ऑफ वन पिज्जा वॉज लेफ्ट एंड 5 बाय 9 ऑफ अनदर पिज्जा वॉज ऑल्सो लेफ्ट। मतलब रोहित ने पार्टी दी और उसने पिज्जाज ऑर्डर किए, उसने 2 पिज्जा ऑर्डर किए, उस फर्स्ट पिज्जा में तो
टोटल 9 पार्ट्स थे, 9 में से कितने पार्ट्स बच गए, 2 पार्ट्स बच गए, लेफ्ट मतलब बच गए। एंड सेकेंड पिज्जा में टोटल 9 पार्ट्स थे, 9 में से कितने पार्ट्स बचे, 5 पार्ट्स। ही पुट बोथ द लेफ्ट ओवर्स इनटू अ बॉक्स, इसने क्या किया, ये दोनों जो पिज्जा के पार्ट्स बचे हैं उनको एक बॉक्स में डाल दिया। हाउ मच पिज्जा वॉज देयर इन द बॉक्स, अब आपको ये बताना है कि बॉक्स में कितना पिज्जा बचा है। तो देखो, पिज्जा पीस ऑफ वन पिज्जा लेफ्ट, एक पिज्जा का कितना पीस बचा, 2/9। पीस ऑफ अनदर पिज्जा लेफ्ट, दूसरे पिज्जा का कितना पीस बचा है, 5/9। अपन को क्या निकालना है, टोटल पीस ऑफ पिज्जा, टोटल कितना बॉक्स में है, तो टोटल का मतलब क्या करेंगे, एड। तो 2/9 प्लस 5/9, दोनों कैसे फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन, तो इसको नॉर्मली एड कर सकता है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो 7/9 पीस ऑफ पिज्जा वॉज इन द बॉक्स, कितने पीस थे पिज्जा के, 7/9। सेकेंड इज रितु मिक्स्ड 1/8 केजी ऑफ शुगर एंड 1/2 केजी ऑफ फ्लोर टू मेक अ बन, मतलब वो एक बन बना रही होगी, उसमें उसने 1/8 केजी क्या मिलाया, शुगर मिलाई, एंड 1/2 केजी फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा। हाउ मच डज द मिक्सचर वेट, अब मिक्सचर का वेट कितना है वो फाइंड करना है, तो मिक्सचर का वेट निकालेंगे, तो उसमें शुगर और फ्लोर दोनों एड है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एड करके इनका वेट फाइंड करते हैं। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ शुगर, शुगर की कितनी क्वांटिटी मिक्स की उसने, 1/8 केजी, और फ्लोर की कितनी क्वांटिटी मिक्स की उसने, 1/2 केजी। अब अपन को वेट निकालना है, वेट के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एड, तो 1/8 प्लस 1/2, 2 एंड 8 का एलसीएम लो कितना आता है, देखो 2 एंड 8 का एलसीएम, 2 की टेबल में आता है 1, 4, अगेन 2 की टेबल 1, 2, अगेन 2 की टेबल 1, 1, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, एलसीएम कितना आना चाहिए इन दोनों का, 8। तो ये तो ऑलरेडी 8 है, इसको भी 8 बना देंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगे, तो डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा, तो 1/8 प्लस 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 8, अब क्या बन गया, दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गया, अब इनको ऐड कर दो, 4 + 1 = 5, तो आंसर आ गया 5/8 केजी, तो टोटल वेट कितना हो गया मिक्सचर का, 5/8 केजी। थर्ड क्वेश्चन इज सिया बॉट सम स्टिकर्स, शी गेव 5/7 ऑफ देम टू बाला, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टिकर वॉज शी लेफ्ट विथ, सिया ने क्या किया, कुछ स्टिकर्स खरीदे हैं, उसने 7 मतलब स्टिकर्स खरीदे, तो नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, तो टोटल उसने 7 स्टिकर्स खरीदे होंगे, 7 में से 5 स्टिकर्स क्या किए उसने, बाला को दे दिए, अब उसके पास कितने स्टिकर्स का फ्रैक्शन बचा है, तो टोटल 7 खरीदे, 7 में से 5 दे दिए, तो बचे कितने, 2, तो 2/7 फ्रैक्शन लेफ्ट रहा, तो कैसे लिखोगे, स्टिकर गिवन टू बाला, बाला को कितना दिया उसने, 5/7, टोटल स्टिकर शी हैव, टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं, तो नीचे कितना था, 7, तो टोटल उसने कितना परचेज किया, 7, 7 में से 5 बालों को दे दिया, बचे कितने, 2, देयरफॉर शी आर लेफ्ट विद 7 - 5 = 2, तो क्या फ्रैक्शन हो गया ये, 2/7, क्योंकि टोटल 7 खरीदे थे उसमें से अब उसके पास 2 बचे हैं, 5 ऑलरेडी वो दे चुकी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज वर्षा बॉट 2 and 3/4 मीटर ऑफ क्लोथ, वर्षा ने इतना क्लोथ परचेज किया, शी यूज 4/7 मीटर ऑफ क्लोथ टू मेक अ ड्रेस, उसने इतना क्लोथ यूज कर लिया ड्रेस बनाने के लिए, तो व्हाट लेंथ ऑफ अ क्लोथ वॉज शी लेफ्ट विथ, अब उसके पास कितना क्लोथ बचा, लेफ्ट का मतलब क्या होता है हमेशा माइनस, टोटल इतना परचेज किया, इतना यूज कर लिया, तो अब बचा कितना, क्या करोगे दोनों को, माइनस, तो देखो टोटल क्लोथ वर्षा है, वर्षा के पास टोटल कितना था, 2 and 3/4 मीटर क्लोथ यूज टू मेक ड्रेस, ड्रेस बनाने के लिए उसने कितना क्लोथ यूज किया, 4/7 मीटर, देयरफॉर क्लोथ लेफ्ट, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, सबसे पहले ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड को किसमें कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए 3, प्लस 4 × 2 = 8,
8 प्लस 3 11, तो ये हो गया 11 अपॉन 4 माइनस 4 बाय 7। अब दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, देखो 4 7 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है 4, 2 टाइम्स ये 7, अगेन 2 की टेबल 1 7, फिर 7 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 28। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑपोजिट डिनोमिनेटर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 7 है तो इसके ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करवा दो, और ये 4 है तो इसको 4 से, तो 11 इंटू 7 4 इंटू 7 माइनस 4 बाय 7 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगे 4 से, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 7 28 माइनस 4 4 जा 16, 7 4 जा 28। अब इन दोनों को सब्ट्रैक करो, 77 माइनस 16 कितना आएगा 61 अपॉन 28 मीटर। क्वेश्चन किसमें दिया हुआ था, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आंसर भी किसमें लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 28 को 61 से डिवाइड करो, 28 की टेबल में 61 नहीं आता है, 2 टाइम्स आता है 56, तो 61 में से 56 गया, बचा कितना 5। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, होल नंबर रिमाइंडर बच जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 28, तो अब उसके पास कितना क्लोथ बचा 2 एंड 5 बाय 28 मीटर। ओके, आई होप आप लोगों को ये चारों वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, हैव अ ग्रेट डे।